हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंजीरी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग होती है। तो पंजीरी आपको पता ही है, प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, 2 बड़ा चम्मच घी समझ लो है ये। तो घी मेल्ट हो गया है और यहाँ मैंने लिया है आटा। आटा मैंने इस वाली कटोरी से 2 कटोरी आटा लिया है। इंडक्शन को हम लो पे कर देंगे। आटे को हमें खूब अच्छे से भूनना है, इसका कच्चापन एकदम अच्छे से निकाल देना है, ताकि ये हमारे खाते समय मुंह में चिपके ना। इतना भूनना है कि ये कलर जो है चेंज कर दे आटा अपना। तो देख रहे हैं बहुत अच्छे से भुन गया है। लो मीडियम पे ही भूने और कढ़ाई का तला जो है मोटा रहेगा, तो आटा कभी जलेगा नहीं और बहुत अच्छे से ये भुन जाएगा। मोटी कढ़ाई में अच्छे से भुनता है, पतली कढ़ाई में जल जाता है, अच्छे से भुनता नहीं, क्योंकि इसे हमें लो टू मीडियम पे ही भूनना रहता है। कलर देख रहे हैं बहुत सुंदर आया है इसका, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो अब इंडक्शन को हम बंद कर देंगे। अच्छे से भुन गया है, अब ये एकदम रेडी है। बंद करने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा इधर उधर करते रहेंगे, ताकि ये नीचे से लगे ना। तो ये सब तो मेरे साथ होता ही रहता है, मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा ना। तो अब इसे हम उतार के साइड में कर देंगे और इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके ही इसमें हम शुगर वगैरह मिलाएंगे। तो चलिए इसे ठंडा कर लेते हैं। तो एकदम ठंडा हो गया ये, तो अब इसमें हम शुगर डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी, 2 कटोरी हमारा आटा और 1 कटोरी हम इसमें चीनी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो शुगर को कोई कोई ग्राइंड करके भी डालता है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं था, इसका जो क्रिस्टल थे वो मीडियम साइज के हैं, ना ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा, तो मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया इसीलिए। अब बारी है ड्राई फ्रूट की। तो देखा कितना इजी है, बस ड्राई फ्रूट डाला और हमारी पंजीरी रेडी है। और ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने किशमिश डाल दिया और मखाने डाल दिए, थोड़ा थोड़ा मैं बचा रही हूँ गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे मैंने काजू बादाम को कट किया है, काजू बादाम डाल देंगे, और इतना मैं बचा रही हूँ गार्निशिंग के लिए। इसमें आप नारियल भी काट के डाल सकते हैं, नारियल मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं नारियल भी डाल दूँ, नारियल मुझे बहुत पसंद है पंजीरी में। पंजीरी मेरी रेडी है, अब मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाऊंगी। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट के साथ गार्निशिंग कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये भगवान का प्रसाद मैंने कितने जल्दी और कितने आसानी से रेडी कर लिया, और ये खाने में बहुत हेल्दी होता है। गाइस रेसिपी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थोड़ा चेक करना तो बनता है ना, देखते हैं। तो गाइस मीठा मैंने इसमें आधा डाला है, आप पौना भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने 1 कटोरी डाला है आप पौना कटोरी भी डाल सकते हैं।
गाइस तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बना है, तो आपको देखने में ही लग रहा होगा कि ये कितना सुंदर और कितना टेस्टी लग रहा है। तो फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय।